हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं सुबह लेट उठा हूँ, अराउंड 9:30 बजे बहुत लेट उठा हूँ। रीज़न ये था, कल की राइड करके मैं थोड़ा थक गया था और मेरे को नींद बहुत अच्छी आ गई, सुबह उठने का मन नहीं किया तो लेट हो गया। एक और प्रॉब्लम होगी मुझे कि मेरे ये शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है बाइक चलाने की। तो मैंने कल लंबी राइड कर ली और वहाँ पे खड्डे भी थे, पहाड़ भी था, लगातार हैंडल को ऐसे पकड़ के बैठा रहा, तो मेरे शोल्डर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी दर्द हो रहा था। रात को नोडी ने मेरे यहाँ पे आइस भी लगाई थी और नोडी ने हल्की मसाज भी की थी, बट यहाँ पे लाल लाल हो गया था, बड़ा दर्द हो रहा था। अब सुबह उठा हूँ तो ये पूरा पोर्शन मेरा अकड़ा हुआ है, लेफ्ट वाली बाजू मेरी काम नहीं कर रही। अब देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, कोई दवाई खाता हूँ या नोडी से एक्सरसाइज करवाता हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ। जैबी को भी आज खाना नहीं दिया, अभी तक लेट हो गया उसका खाना। आज लस्सी नहीं दे रहा हूँ, आज उसको दूध दे रहा हूँ। फिलहाल नाश्ता करने लगा हूँ, 2 परौंठे विद चटनी खा रहा हूँ। ये मेरे बाल थोड़े सफ़ेद हैं यहाँ पर मैं इनको कलर करता हूँ 2-3 दिन के बाद। मैं चाहता हूँ कि मेरी एज ज़्यादा ना लगे, इसलिए बहुत सारे लोग करते हैं। कलर मैं ये यूज़ करता हूँ लॉरेल का, मैं शेड नंबर जो है वो 5 नंबर है। थोड़ा सा कलर निकालता हूँ मैं इसमें से, सिर्फ इतना सा कलर निकालता हूँ मैं। ये डेवलपर होता है एक, इसको मैं यूज़ करता हूँ। जितना आप कलर डालते हो उतना ही डेवलपर डालना होता है, क्योंकि थोड़ी जगह पे कलर लगाना है। तो कलर के लिए ब्रश मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, टूथब्रश। इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, जो डेवलपर का वाइट कलर है वो नज़र नहीं आना चाहिए। कलर दोनों साइड लग चुका है, इसको कम से कम हमें आधा घंटा रखना है, शेव कर लेता हूँ तब तक। नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हो थोड़ी सी जवानी मेरी वापस आ गई है। अब मैं जा रहा हूँ काम पर। कार कल से यहीं पे खड़ी थी, बंद थी, तो अंदर से एकदम बहुत गर्म हो गई है। अभी मैंने स्टार्ट कर दी है, एसी चालू कर दिया है, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है फिर बैठूंगा। अभी मुझे स्टोर पे जाना है, कल मैं सारा दिन स्टोर पे नहीं गया हूँ, आज भी लेट हो गया हूँ, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो जाकर देखना कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, स्टाफ को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। शॉप पे पहुंच चुका हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम सोनू जी आज फिर कह रहे हैं। हाँ जी जने साहब, अब कौन सी नई प्रॉब्लम हो गई है? माउस नहीं चल रहा, सेल खत्म हो गया। सेल खत्म हुआ है? तो ये तो कह रहा कि काफ़ी देर से दिक्कत आ रही है। हाँ, वो सेल का चार्ज नहीं था, कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा। अभी अभी राजू ने मेरी स्ट्रेचिंग करवाई है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा आराम हो रहा है। वैसे करवाई तो गलत तरीके से, बट फिर भी मुझे आराम हुआ। शॉप पर एक लड़का काम करता था जो रोज़ सलाद बनाता था, लेकिन वो जॉब छोड़ के चला गया, तो मैंने सोचा कि सलाद वाला काम मैं पकड़ता हूँ। आज मैं कुछ नया सामान लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ फट्टी, एक ये चाकू लेकर आया हूँ, एक ये लेकर आया हूँ। लाइव राजू आज मैंने बनाई है, ले आओ जी। थैंक यू थैंक यू। खा कर बता कैसी लगी है। लो सैनी साहब, थैंक यू। मेरे को नमक ही नहीं मिला। नमक यार वही तो मैं सोच रहा था, देखो बड़े डिब्बे में रखा नमक वहीं पे, वैसे तो अच्छा है, कम है नमक है नहीं, नमक है ही नहीं, मुझे नमक मिला ही नहीं, मैंने काला नमक डाल दिया। अभी बज रहे हैं रात के 8, मैं घर आ चुका हूँ और आज मेरे शोल्डर में पेन होती रही सारा दिन, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया हूँ। अब मैं नोडी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कुछ इसका इलाज करे, क्योंकि नोडी हमारा आधा डॉक्टर बन चुका है। क्योंकि नोडी जो है हमारा जिम में जाता है और उसके रोज़ पेन पून होती रहती है, तो उसको पता है कि पेन के बाद क्या करना चाहिए। उसे स्ट्रेचिंग की नॉलेज है और एक्सरसाइज की भी नॉलेज है, ऐसी ऐसी नॉलेजेज है। दवाई मैं खाना पसंद नहीं करता ज़्यादा, मुझे दवाइयाँ खानी पसंद नहीं है। तो डॉक्टर नोडी हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं, क्या लेकर आए भाई? आइस पैक। आइस पैक, अब ये आइस पैक लगाएगा, उसके बाद देखता हूँ मुझे आराम होता कि नहीं होता। कैमरा यहाँ रख देता हूँ। ओके, आइस पैक लगाया था, उसके बाद मेरे को जहाँ पे मेरे पेन थी ना वो वहाँ से जैसे लग रहा था जैसे आग निकल रही है, थोड़ा बेटर फील कर रहा, मतलब दर्द बढ़ गया एक बार तो थोड़ा बेटर फील कर रहा। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करवाने को कह रहे हैं डॉक्टर साहब। पीछे रहना मेरे तो दूसरे शोल्डर में पेन होने लगी। एक हाथ ऐसे रखो और इसको खींचो, इस ठीक करो, खींचो तो सही।
मैंने आप लोगों से एडवाइस मांगी थी और कुछ लोग मुझे कमेंट करके एडवाइस दे भी रहे हैं। अब एक एडवाइस और चाहिए कि जो व्लॉग का टाइम है वो क्या होना चाहिए, रात को 9 बजे होना चाहिए या शाम को 5 बजे होना चाहिए या सुबह 8-9 बजे होना चाहिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और डिनर का टाइम हो गया। आज डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खा रहे हैं। स्टार्टर में मेरे को ये मिले हैं, ये पनीर का होता है कुछ जुगाड़ सा, मुझे पता नहीं इसका क्या नाम होता है, जो भी है पनीर का बना हुआ है, क्रंची है। और आलू की सब्जी, चटनी, दही, रोटी। खाना खा चुका हूँ और भाई नोडी भाई यहाँ पे मेरे साथ ये खा रहे हैं ढाई, बड़ी अच्छी, जो नोडी को, कैफी को, मैडम को, सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, पर मुझे देते नहीं, कहते शुगर हो जाएगी। भाई साहब ये क्या क्या नाम है नोडी इसका मिठाई का? काजू बर्फी, या फिर थोड़े बढ़िया दुकान होती है काजू कटली कहते हैं हमारे यहाँ देसी दुकान में, काजू बर्फी कहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक और कमेंट करते रहना। कल मिलते हैं नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट।